सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रुपेश इलुस्ट्रेटर। तो आज की इस वीडियो में वेक्टर आर्ट नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आप सबने, इसमें वेक्टर आर्ट नहीं है। इसके अंदर हम लेके आए बिगनर्स लोग के लिए हाउ टू यूज इन्फिनिट डिजाइन प्रॉपरली, मेन ट्रिक्स, मेन ब्रशेस, सब कुछ बताएंगे वीडियो में। एंड तक बने रहो, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पे नए हो चैनल कर दो सब्सक्राइब, ऐसी न्यू न्यू वीडियो डेली आती है, और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए हर वीडियो की। तो बिना किसी देरी किए चलते हैं वीडियो की तरफ, और एक और बार कॉमेंट जरूर कर देना। सो गाइस, आपको आपके फ़ोन में आ जाना है, आपको अपने फ़ोन में इन्फिनिट डिज़ाइन ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे इधर देख सकते हो, मैं अपना इन्फिनिट डिज़ाइन ओपन कर रहा हूँ, मेरा इन्फिनिट डिज़ाइन ओपन हो रहा है गाइस। एंड इन्फिनिट डिज़ाइन ओपन होती है, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने मिलेगा जिधर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक न्यू का और एक इमेज का ऑप्शन मिलेगा। आपको अगर कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है तो आप न्यू पे क्लिक कर सकते हो। आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ऐसा इंटरफेस दिखेगा तो आपको क्रिएट कर लेना है। इधर आप अपने मर्जी से कुछ भी क्रिएटिविटी कर सकते हो। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है वो है हमारा इमेज का, जिससे हम इमेज इंपोर्ट करते हैं जो हमें एडिट करनी है। तो मैं फटाक से इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ, देख सकते हो मैंने यार इंपोर्ट की है। जिधर दो ऑप्शन आ रहा है, इमेज और ट्रेस, हमें ट्रेस पे क्लिक कर लेना है। ट्रेस पे क्लिक करते हमारी पिक इंपोर्ट हो जाएगी, देख सकते हो हमारी पिक इंपोर्ट हो गई। तो इधर से हमको राइट क्लिक कर लेना है जिससे हमारी फ़ोटो आ जाएगी। उसके बाद हमें चल जाना है लेयर वाले ऑप्शन पे। लेयर वाले ऑप्शन जो ऊपर थ्री चीज़ दिख रही है, उस पर बीच वाला ऑप्शन लेयर का है, उस पर क्लिक करके आपको जितना लेयर चाहिए आप उतना ले सकते हो। मैं हर बार 10-12 लेयर लेके रखता हूँ, क्योंकि इन केस अगर आपका इन्फिनिट डिज़ाइन क्रैश हुआ तो आपका लेयर्स जाए, आपकी बनाई हुई मेहनत या अपनी बनाई हुई वर्क ना जाए, ना बर्बाद हो। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लेयर ले सकते हैं। और आपको इधर लेयर लेने के बाद आपको इधर टूल्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है, जिधर पहला टूल है क्रॉप। लास्ट वाले में देख लो, लास्ट रो में पहला टूल है क्रॉप का। क्रॉप पे क्लिक करोगे, इन्फिनिट पे क्रॉप पे क्लिक करोगे, इन्फिनिट दिखाएगा। उधर फिर क्लिक करोगे तो आपको क्रॉप का साइज आ जाएगा, रेशियो दिख जाएंगे बहुत सारे, आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद आपको वापस लेयर वाले ऑप्शन पे आना है, आपको अपनी पिक की ओपेसिटी फुल कर लेनी है। जो इधर ऑपेसिटी फुल करने के बाद हम आ जाते हैं फ्लिप वाले ऑप्शन पे। जो फ्लिप वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है थर्ड वाला, क्योंकि सेकंड वाला कोई काम नहीं, थर्ड वाला बता दूं, जो आपकी पीक रहेगी वो आपको आपकी पीक, ये वाला ऑप्शन आपकी पीक को मिरर करके दे देगा। आई मीन लेफ्ट रहेगी तो राइट कर देगा, राइट रहेगी तो लेफ्ट कर देगा। जैसा आप सब देख सकते हो कि इसने राइट टू लेफ्ट कर दिया है, ये काम करता है। और जो लॉक वाला ऑप्शन देख रहे हो ये काम करता है, ये ऑन करने के बाद आप अपनी स्क्रीन जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते, ये एक जगह पे लॉक हो जाएगी। जिधर आपको ड्रॉ करना है ड्रॉ करके ऑफिस अनलॉक करके जूम इन जूम आउट कर सकते हो आप। अब आपको सेकेंड लास्ट वाली लाइन दिख रही है, वो उस लाइन में जितने टूल्स दिए उसका अपने को कोई काम नहीं है वेक्टर आर्ट बनाने में। देख सकते हो इतने सारे टूल्स है जिसका कोई काम नहीं है। लास्ट थर्ड वाले रॉ में जितने टूल दिए उसका भी कोई काम नहीं है अपने को। वो सब टूल अगर आपको और क्रिएटिविटी करनी है तो वो सब टूल यूज़ होती है। मतलब आपको अगर कैरिकेचर वगैरह बनाना है तो वो सब चीज़ यूज़ होती है, मैं बाद में आप सबको कैरिकेचर बनाते वक्त बता दूंगा। तो हम चलते से लास्ट फोर्थ वाले रॉ पे, जिधर पहला ऑप्शन दिया है, जिधर पहला ऑप्शन दिया है फिल का। फिल मतलब आप कोई भी लेयर पे क्लिक करके एक बार क्लिक करोगे, जो कलर आपका सिलेक्टेड रहेगा उससे पूरा लेयर फिल हो जाएगा। ये काम में आता है फिल वाला टूल। अब हम दिखा देते हैं आपको जो फोर्थ रो में सेकंड टूल है उसका भी, आई मीन बहुत ज़रूरी काम है, ग्रेडियंट टूल कहते हैं इसे। अगर आपने कुछ ड्रॉ किया है तो आपको उस पर ग्रेडियंट दो कलर ऐड करने, तो आप ग्रेडियंट वाले टूल पे क्लिक करके दो कलर अपने सिलेक्ट कर सकते हो। जैसा मैं रेड रेड पहले सिलेक्ट किया तो टोटल वन कलर बन रहा है। उसके बाद हमने दो कलर चूज किए जिसमें ब्लैक और रेड कलर है। जैसा आप सब देख सकते हो ग्रेडियंट दिख रहा है वो, इसके लिए यूज़ होता है ग्रेडियंट टूल, जो कि आप मोस्टली बहुत बार यूज़ कर सकते हो वेक्टर आर्ट में। और थर्ड वाला जो दिख रहा है आई थिंक उसका कोई काम नहीं है वेक्टर आर्ट में, ना फोर्थ वाले का कोई काम है। इस बार फोर्थ वाले रॉ में सिर्फ एक ही का, दो का ही काम था फील्ड और ग्रेडियंट का, जो हमने सीख लिए। अब चलते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाले में हमें शेप्स दिए जिसमें लाइंस दिए, आई मीन आपको अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इधर से ब्रश चेंज कर लेना है, अपना ब्रश चेंज करके आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो ये ऑन करने के बाद। ऐसे हमारा सर्कल भी है, मैं सर्कल बताता हूँ। सर्कल में देख सकते हो अभी पहले लाइंस ड्रॉ हो रही है, उसके बाद सर्कल वाला टूल सिलेक्ट करती हम सर्कल भी ड्रॉ कर सकते, प्रॉपर सर्कल ड्रॉ कर सकते, और सर्कल में चेंज करके ब्रश सर्कल को फिल भी कर सकते। कुछ ये काम में आता है हमारे ये सब टूल्स। रेक्टेंगल भी वैसा है,
पेन टूल का यूज़ किया होता है। पेन टूल अगर आप बिगनर हो तो आप इससे आउटलाइन प्रॉपर कर सकते हो, आई मीन स्टेप टू स्टेप आउटलाइन जाती है इससे, जिस आप तक देख सकते हो। मेरी टिप्स लो तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप बिगनर हो तो आउटलाइन के लिए पहले इससे शुरुआत करो, इसके बाद डायरेक्ट ब्रश पे जाना। ये टूल बहुत अच्छा टूल है बिगनर्स के लिए, आप इससे प्रॉपर आउटलाइन सीख जाओगे, इधर से साइज वगैरह भी चेंज कर सकते हो आप। तो ये टूल काम आता है आउटलाइन के लिए, और इससे आप फिलनेस भी कर सकते हो, वो मैं आने वाली वीडियोस में बता दिया करूँगा वेक्टर आर्ट बनाते वक्त। बट तब तक के लिए आप ये देख लो कि ये कैसे काम करता है, तो ये जो सीख जाएगा उसके लिए आउटलाइन बहुत प्रॉपर हो जाएगी। और इसके बाद चलते हैं हम आगे वाले ऑप्शन पे जो आर्क दिया है। मुझे नहीं लगता आर्क का कोई काम है हमें वेक्टर आर्ट बनाने में, तो हम चलते सीधा उसके आगे वाले ऑप्शन पे जो दिया लेजी टूल। लेजी टूल बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है हमारे वेक्टर आर्ट बनाने के प्रोसेस में। जो टूल है लेजी, उसको सिलेक्ट करने के बाद आपका ब्रश प्रॉपर स्मूथ चलता है, जैसे देख सकते हो विदाउट लेजी टूल के ब्रश कैसा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड बन रहा है, जैसा आप सब देख सकते हो। लेजी टूल सिलेक्ट करने के बाद वही ब्रश का साइज, सेम ब्रश कैसा प्रॉपर स्मूथ ड्रॉ हो रहा है, जैसा आप सब देख सकते हो। लेजी टूल बहुत अच्छा टूल है, हर वेक्टर आर्टिस्ट को वो टूल चलाना आना चाहिए, वो बहुत अच्छा ड्रॉ करता है। उसके लिए लेजी टूल ऑन करके हमेशा वेक्टर आर्ट करें, बहुत अच्छा वेक्टर आर्ट बनेगा आपका। तो चलते हैं फर्स्ट और सेकेंड रो पे, जो लास्ट रो है उसका फर्स्ट ऑप्शन दिया आपको मूव वाला। मूव वाले पे आप कोई भी चीज़ ड्रॉ किए रहोगे उसको आप मूव कर सकते हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इस काम में आता है अपना मूव वाला टूल। उसी के बाजू में एक और टूल दिया है हम, जिसका नाम है एडिट टूल, जिससे आप अपने कोई भी ड्रॉ किए हुए सर्कल, लाइन, रेक्टेंगल, कोई भी चीज़ को साइज रीसाइज कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। जैसा मैं देख सकते हो मैं कर रहा हूँ, मैंने इधर छोटा कर दिया, रोटेट कर दिया, ये काम में आ जाता है हमारा एडिट वाला टूल। इससे हम लाइन वगैरह भी रोटेट या साइज चेंज कर सकते हो, ऐसा देख सकते हो मैंने लाइन सिलेक्ट करके इसकी साइज चेंज कर दी है, जो साइज में इंक्रीज कर रहा हूँ साइज डिक्रीज भी कर सकता हूँ इससे, ये काम में आता है अपना एडिट वाला टूल। इसके बाद आ जाता है हमारा सिलेक्ट टूल, सेम एडिट जैसा टूल है। एडिट में हम डायरेक्ट कोई भी सब्जेक्ट पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते थे, इधर हम सिलेक्ट वाले सब्जेक्ट पे क्लिक, सिलेक्ट वाले टूल पे क्लिक करके कोई भी सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर दो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम एक आउटलाइन दिया रहता है हमें कट ड्रॉ करने का, जिससे हम ड्रॉ करके इधर देख सकते हैं मैंने ड्रॉ किया, तो जितने वो ड्रॉ वाले लाइन में जितने सब्जेक्ट्स रहेंगे वो सब कॉपी हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, जिससे हम कंबाइन करके एक भी बना सकते हैं। जैसा मैं बना दिया हूँ उसे, फिर हम एक बन जाएगा वो, उस पर हम कुछ भी काम करेंगे वो दोनों पे अप्लाई होएगा, देख सकते हो जैसा आप। और इधर थर्ड दिया टेक्स्ट वाला टूल, टेक्स्ट वाला टूल हमें नाम भीम, अगर आपको नाम भीम डालना है आपके बैकग्राउंड में तो आप ये टूल यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको नीचे बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे और वगैरह वगैरह बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। इधर से आप साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, और बहुत कलर है, बहुत कलर यूज़ कर सकते हो फॉन्ट में, कुछ ये काम में आता है हमारा टेक्स्ट वाला टूल। जो नेक्स्ट टूल दिया है उसका नाम है डुप्लीकेट। मेरे को नहीं लगता इसका वेक्टर आर्ट में बहुत ज़्यादा काम है, आई मीन बहुत रेयरली यूज़ होता है, अगर आपको कोई कभी कुछ डुप्लीकेट बनाना है तब वो काम आता है, अदरवाइज उसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो चलते हैं हम आगे। आगे दिया है हमें जो तीन टूल दिए उसका भी मेरे को लगता है कोई काम नहीं, बट लास्ट वाला टूल हम एक बार ज़रूर देखेंगे जिसका नाम है रिमूव। वो टूल में आप डायरेक्टली कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर सकते हो, देख सकते हो जिसे मैंने इसके आजू में ड्रॉ किया और ये डिलीट हो गया है, और मैं अभी अपने नाम पे ड्रॉ कर रहा जो नहीं हो रहा है, अगर मैं क्लोज जाके ड्रॉ कर रहा तो वो भी डिलीट हो जा रहा है। तो ये काम में आता है हमारा रिमूव वाला टूल, जैसे आप सबने देख लिया। टूल में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन टूल्स प्रॉपर बता दिए। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट भी करके प्यार दिखा दो अपने भाई को। ये टूल्स देखने के बाद अब हम चलते हैं देखते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। इंपोर्ट के लिए हमें इधर इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा थ्री डॉट पे, और एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी उधरी बाजू में ही मिल जाएगा। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं हमारे सामने ये इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको PNG मोड में सिलेक्ट कर लेना है, साइज को पूरा इंक्रीज करके रिमूव बैकग्राउंड कर देना है और एक्सपोर्ट कर लेना है, सिंपली वो सेव हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अब उसके बाद ब्रश वाले टूल पे, उससे पहले हम देख लेते हैं ओपासिटी कैसे बढ़ाते हैं। ओपासिटी को भी ब्रश बढ़ाने के लिए उधर नीचे ऑप्शन दिया रहता है, कलर चेंज करने का भी ऑप्शन दिया रहता है, साइज चेंज करने का भी ऑप्शन नीचे प्रोवाइडेड होता है। उसके ऊपर हमें इरेजर मिल जाता है, जिसे हमें कुछ भी रिमूव कर सकते हैं हम। उसके ऊपर सिलेक्ट वाला टूल दो जगह दिया रहता है, एक इधर और एक उधर टूल्स वाले ऑप्शन में। उसके बाद आ जाते हैं ब्रश वाले में, जिधर पहला इंक वाले ब्रश में हम सिर्फ तीन मेन ब्रश देखेंगे,
जो होने वाला है हमारा नॉर्मल ब्रश, टैपर्ड ब्रश और हमारा लैजो ब्रश। उससे पहले हम देख लेते हैं नॉर्मल ब्रश। तो देख सकते हैं नॉर्मल ब्रश नॉर्मल एकदम, हम उसको नॉर्मल तरीके से आउटलाइन कर सकते हैं, बिगनेस वो भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल आउटलाइन कर सकते हो, कुछ ड्रॉ कर रहे हो आप ऐसा फिल करके। उसके बाद आ जाते हैं लैजो ब्रश पे। लैजो ब्रश पे आने के बाद देख सकते हैं वो फिल करने के काम आता है, आप उससे आउटलाइन बहुत रेयरली कर सकते हो बट ये फिल करने के काम आता है। जैसा आप डिज़ाइन वगैरह ड्रॉ कर सकते हो, इससे फिल कर सकते हो कुछ भी, तो ये फिल करने के काम आता है, कुछ भी ड्रॉ करने के काम आता है, जैसा आप सब देख सकते हो। उसके बाद आते हैं हमारे तीसरे वाले ब्रश पे, जो ब्रश है टैपर्ड ब्रश, जो काम में आता है हमें आउटलाइन के ही काम में आ जाता है, वो भी हेयर शेड करना हो तो काम में आ जाता है, आइज बनाने के काम पे आ जाता है और बहुत चीज़ों के काम में आ जाता है। जैसा आप सब देख सकते हो ब्रश बहुत अच्छा ब्रश है। तो ये हो गया हमारा ब्रश वाला सेशन। इसके बाद आ जाते हैं हम ऊपर, जो एक चीज़ दिया है वो बता दूं मैं, इलास्टिक करके एक चीज़ दिया होगा, उस पर उसको ऑन ऑफ करने के बाद आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि आपका फिंगर जो स्मूथली ड्रॉ करेगा, कुछ भी ड्रॉ करेगा, और डिस्प्ले आउटलाइन जो दिख रहा है लास्ट वाला ऑप्शन, वो आपको जो आपने ड्रॉ किया होगा उसका आउटलाइन दिखा देगा कि कैसा ड्रॉ हुआ है वो। आप कुछ भी वो ऑन करके ड्रॉ करोगे तो आपको आउटलाइन भी दिखाते रहेगा। तो ये थी ऊपर की सेटिंग वाले चीज़ में। इसके बाद आपको सेव करना है तो आप सेव कर सकते हो, सेव कॉपी दिया है, डिस्कार्ड करना है तो आप डिस्कार्ड भी कर सकते हो, बट मैंने अभी इधर सेव कर लिया है। तो ये थी इवी डिज़ाइन की कहानी, मेन मेन ट्रिक्स, मेन मेन टिप जो मैंने आप सबको बता दिया है। वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।